Bakibat. आपका साथ एक फोटो ले सकता हूँ। तो अभी हम खेल रहे हैं। पीयूषा कितना जीतेगी, कौन जीतेगा? अभी हम लोग रुके हैं, कुछ खाएंगे यहाँ पे, ऑर्डर किया है। तो पीयूषा भी है। हाय पीयूषा। हेलो। तो हम पहले खाने से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पूरा ये लेन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, लाइक थोड़ा गाड़ी है, खेलने वाली चीज़ है, मेले में जो लगता है ना, लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे मेला लगा है, तो वो तो एक्सप्लोर करेंगे। पर ये फूड लेन आप देखिए, ऑलमोस्ट उस एंड से स्टार्ट होती है, तो जाती है बहुत दूर तक। तो थोड़ा सा पहले स्टार्टर्स लेंगे, फिर जाएंगे आगे। क्या खा रहे पहले? तो ये पीयूष का फेवरेट है, इसका देखते हैं और क्या है। पाव भाजी। तो अभी है सारस बाग की पाव भाजी। कितना रेटिंग? सही है, सच में थोड़ा ठंडा है। ओके, अच्छा है, थोड़ा ठंडा है पर अच्छा है। ट्राई कर रहे पाव भाजी। तो यस दो भाजी, तो पहले भाजी ट्राई करते। टेस्ट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले जब मैं ट्राई करता था लाइक ऑलवेज लाइक कॉलेज टाइम पे, तो वही सेम टेस्ट है। बट अभी पाव के साथ ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस लाइक कि पाव के साथ भाजी और वो कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। तो जो भी होगा ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाएगा आपको। गुड, बट ये लिए हमने अराउंड 100 rupees की। तो यहाँ पे 100 rupees में पाव भाजी मिलती है। पाव की क्वालिटी इज ओके गाइस, बट पाव भाजी इज गुड। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है लेन, तो इस तरफ भी कुछ स्टॉल्स है जो कि अभी बंद है, तो वो खुले होते हैं सुबह के टाइम पे। एंड मेरे राइट साइड पे है पेशवे पार्क। तो इस पार्क में पहले होते थे एनिमल्स लाइक जो अभी कातरज में, बट अभी वहाँ पे बना दिया है एनर्जी प्लांट, लाइक एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें बनाई है वहाँ पे। तो उस गार्डन में हम जाने वाले, पर वो ब्लॉग आज नहीं बनेगा, वो किसी और दिन बनेगा, क्योंकि फिलहाल वो बंद है। तो यहाँ से लेन स्टार्ट होती है, तो हम अभी जाने वाले और पूरा लेन देखने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट। जो यहाँ पे उनका बलून, क्या बोलो उसको, बलून शूटिंग का स्टॉल है। तो इसके कितना कॉस्ट होता है? 30 rupees में 10 shots आते हैं। 30 rupees में 10 shots।
ओके, और कितने बजे तक चालू रहता है ये पूरा एरिया? करीबन 10 बजे तक चालू रहता है। ओके, 10 बजे तक छोटे बच्चे। ओके, और मतलब सुबह कितने बजे स्टार्ट होते हैं? सुबह 5 बजे। ओके, तो गाइस जब भी आओगे ओम के यहाँ पे जरूर आना और ये शूटिंग खेलना जरूर। तो अभी हम खेल रहे हैं, पीयूषा जीतेगी कौन जीतेगा देखते हैं। 10 शॉट पीयूषा फर्स्ट वन। छह में से तीन तो पीयूषा ने मारे थे, 6 में से 3। अब मेरी बारी है। लगा ना? तीन में से तीन। यो 2 में से 2 मारने अभी और। हार गया। खत्म। तो गाइस मैं जीत गया। तो गाइज यहाँ पे होती है हॉर्स राइडिंग भी। 100 रुपए एक राइड बड़े का। 100 रुपए। ओके, यहाँ से आधा राउंड, वहाँ से आधा, यहाँ से आधा, वहाँ से आधा। ओके, और छोटे वाले का क्या? हाँ, 50 रुपए होता है। 50 रुपए। और सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 2 पर 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे तक। ओके, ये बलून में खेलना है आपको, तो इसका कॉस्ट है अराउंड 30 रुपीज़। तो यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। हमने अभी पाव भाजी ट्राई की एंड मंचूरियन ट्राई किया, वॉज गुड। एक चीज़ है कि आप पूरे लेन में आओगे तो सारी वेज है और मेन्यू ऑलमोस्ट सबका सेम है। लाइक यहाँ पे मेनली आपको मिलेगा चाइनीज़, साउथ इंडियन पाव भाजी यहाँ की स्पेशलिटी है। लाइक सारसबाग की पाव भाजी हर जगह फेमस है, बस क्वालिटी चेंज है, रेट चेंज है। और एक चीज़ है, जूसेस मिलते हैं यहाँ पे। सॉफ्टी का एक शॉप है वहाँ पे, हम नहीं खा रहे क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो आप वहाँ पे जाओगे मतलब एट द एंट्रेंस, तो वहाँ पे सॉफ्टी का भी शॉप मिल जाएगा आपको। बस एक चीज़ है, रेट डिफरेंस है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लोर करें, अभी हम जूस ट्राई करें, नूडल्स देखते हैं एंड देन और कुछ नई चीज़ मिलती है वो ढूंढेंगे। सो गाइस हमारे साथ है सुनील, जो कि यहाँ पे उनका चाइनीज़ का होटल है और शेफ है। कल्पना होटल में आता है तो क्या ट्राई करना चाहिए? कल्पना में आए तो अच्छा ट्रिपल राइस चिकन चिल्ली, वेज चिल्ली। तो ये स्पेशलिटी आपकी। और नॉन वेज नहीं मिलता ना? नॉन वेज नहीं, सिर्फ वेज है। वेज। तो ये पूरे लेन में सिर्फ वेज ही मिलेगा? हाँ, यहाँ पे वेज ही मिलेगा। ओके, नॉन वेज नहीं है। यहाँ पे बना है अपना कनूडल, इसका कॉस्ट क्या होता है? इसका कॉस्ट 120 रुपीज़। ओके, सो गाइस हक्का नूडल्स बनाए सुनील ने यहाँ पे, तो इट्स 120 रुपीज़। आओगे तो ज़रूर ट्राई करना और सुनील को भी हाई कर देना। जूस इज़ फॉर 60, नूडल्स आप 120। तो इस एरिया में रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही है हर जगह, क्वालिटी चेंज होती रहती है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हमने जेड ब्रिज का भी एक ब्लॉग बनाया है, उसमें 5 डिफरेंट टाइप के फूड्स दिखाए हैं, मतलब यूनिक। मतलब यहाँ पे कैसा ना कि सारी चीज़ें सेम है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नया मिले, बट नया नहीं मिल पाया, सारी मेनू सेम है। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.